सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रामप्रसाद और आज बात करने वाला हूँ रूस के बारे में, यानी रसिया के बारे में। रसिया की कुछ ऐसी अजब गजब बातें बताऊँगा जिन्हें जानना हमें बेहद ज़रूरी है। रूस और भारत के बीच ठीक वैसी ही दोस्ती है जैसी शोले फिल्म में जय और वीरू के बीच थी। रूस और भारत के बीच ना सिर्फ दांत काटी रोटी वाली दोस्ती है, बल्कि इस दोस्ती को वो पूरी तरह निभाते भी हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो वो एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। रूस का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है राज कपूर का वो गीत, मेरा जूता है जापानी, ए पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल फिर भी है हिंदुस्तानी। बस यही नहीं, हमारे रूस हमारे भारत का सबसे अहम सामरिक व आर्थिक साझेदार है। रूस जिसकी लाल टोपी से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित रही है। रूस यहाँ की लोलिता और लेनिन भी। तो कहने का मतलब यह है कि रूस ने भारत को साहित्य, आर्थिक और ना जाने कितने क्षेत्रों में मजबूती देने का काम किया है। यहाँ तक कि शीत युद्ध के आलम में भी भारत और सोवियत संघ के रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक एवं राजनयिक संबंध रहे हैं। इसी के मद्देनज़र हम आपको रूबरू करा रहे हैं कुछ ऐसे ही जुड़े रोचक तथ्यों से जिन्हें जानना हमें बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले, रूस में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि अमीरियत यही सब कुछ सिखाती है तो ऐसी अमीरी का क्या काम। रूस की दूसरी बात, रूस में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज़्यादा हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, हमारे देश में स्त्रियां पुरुष के मुकाबले कम हैं, लेकिन रूस में उसके उलट है। रूस में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज़्यादा हैं। इसे तो एक अच्छी बात कह सकते हैं कि रूस नारी प्रधान देश है। तीसरी बात, रूस में एक तिहाई लोग मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जी हाँ, ये बात सच है कि स्पेस में सबसे पहले विमान भेजने वाले रूस के ही लोग थे। चौथी बात रूस की, रूस में आज भी कई छिपे ढके शहर हैं। रूस के बारे में ये कहा जाता है कि 15 से 20 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस दुनिया से छुपा कर रखा है। रूस के भीतर ऐसे 20 शहर हैं तकरीबन जिन्हें दुनिया से आज तक छुपा कर रखा है। पांचवी बात, रूस में गंदी कारें चलाना अपराध है। अब वो सारे इंडियंस भी सीख लें रूस से कि गंदी कारें चलाना एक अपराध है। छठवीं बात, रूस में 25% लोग 55 साल से पहले ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी मौत हो जाती है। रूस में 25 से 55 साल के बीच में बहुत सारे लोग की मौत हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है वोदका का सेवन करना। सातवें नंबर, हम सभी का पसंदीदा शब्द वोदका रूस से आया है। जो वोदका है वो शब्द रूस से आया है। रूस में वोद का मतलब पानी होता है। अब आगे क्या बताना, क्योंकि आप लोग समझदार हो। आठवें नंबर पर, रूस में कभी दाढ़ी पर टैक्स लगा करता था। ये भी बात बहुत अजीब है। वैसे तो रूस के लड़के बड़े रूट से होते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान यहाँ दाढ़ी पर टैक्स लगता था। नौवें नंबर पर, रूस में लोमड़ियाँ भी घरों में रहती हैं। अब ये बात तो डराने वाली है, मगर सच है कि साल 1959 से रूस में वैज्ञानिक लोमड़ियाँ पालते हैं। दसवीं बात, अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा है। यह बात सन 1867 की है, और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के एवज में सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूस को दिए थे। 11वें नंबर पर, रूस में यह बात बच्चों से बतानी अवैध है कि समलैंगिक लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। इस बात पर तो आई हेट रसिया रे, ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12वें नंबर, रूस में हर साल लगभग 5 लाख लोग शराब की खपत से मर जाते हैं। ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि 25 से 55 साल के बीच के लोग जल्दी मर जाते हैं, और यहाँ वोदका का सेवन माना जाता है। 13वें नंबर पर, रूस का 70% हिस्सा साइबेरिया है। जी हाँ, वही साइबेरिया जहाँ तापमान हमेशा माइनस में रहता है, यानी बहुत ठंडा रहता है। चौदहवें नंबर, रूस क्षेत्रफल के मामले में प्लूटो से भी बड़ा है। रूस जनसंख्या के मामले में तो आगे है ही, इसके अलावा यह क्षेत्रफल के मामले में भी अव्वल है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह रूस का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। 15वें नंबर, रूस और जापान आज भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। रूस और जापान ने अब तक शांति समझौता नहीं किया है। कुरिल आज भी उनके बीच विवादों का केंद्र है। 16वें नंबर, मेट्रो यहाँ की लाइफ लाइन है। भारत में तो मेट्रो का आगमन बहुत बाद में हुआ, लेकिन रूस का मेट्रो सिस्टम अपने तरह का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है। यहाँ 90 सेकंड में एक ट्रेन गुजर जाती है, यानी हमारे देश में 5 या 6 मिनट होगा, लेकिन रसिया में यानी 90 सेकंड में एक ट्रेन गुजर जाती है। 17वें नंबर पर, फूल यहाँ शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये भी बहुत अलग है। जहाँ पूरी दुनिया में
फूल देना शुभ माना जाता है, यहाँ तक कि भारत में। वहीं रूस में पुरुषों का महिलाओं को फूल देना अशुभ माना जाता है। फूलों को यहाँ अंत्येष्टि से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों ये भी अजीब बात है कि जहाँ फूलों का देना शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ रसिया में फूल देना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी रूस की कुछ खास बातें जिन्हें जानना हमें बेहद ज़रूरी था। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।